नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी के बारे में। तो डिफेंस सेक्टर अभी जिस बेसिस से स्ट्रांग हो रहा है, जो गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस रखे हुए है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बता दिया था कि जितने सारे प्रोडक्ट हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उसका बहुत सारा परसेंटेज अभी इंडिया में ही बनाने वाले है। तो देखिए, इंडिया में जब बनेगा कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मतलब खरीदना मतलब बहुत सारे टैक्सेस भी लग जाता है, साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट भी लग जाता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लग जाता है। तो एक एक्स्ट्रा खर्चा वो बाहर की कंट्री को देना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक नया मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर। जो प्रोडक्ट डिफेंस सेक्टर के ऊपर लगते हैं, जैसे मान के चले मिसाइल्स हो गया, जैसे रॉकेट्स हो गया, सॉरी मिसाइल्स हो गया, रॉकेट्स नहीं, जैसे फायर जेट हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट अभी इंडिया में ही ज़्यादातर आपको बनने को देखने को मिलेगा। और हाँ, कुछ चीज़ तो बाहर से खरीदना पड़ेगा ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतना भी अभी इंडिया में हाई मतलब ज़्यादा हाई नहीं हुआ। तो फिर भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर फोकस ज़्यादा रखा गया, तो इसलिए स्टॉक में एक शानदार रैली देखने को मिला, कंटिन्यूसली रैली देखने को मिला। तो देखिए, मुझे गवर्नमेंट कंपनी उतना अच्छे नहीं लगते, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल में है, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो उसके ऊपर कंट्रोल उसके हाथ में चले, मान के चलिए यहाँ पे एक गवर्नमेंट आज के दिन में है तो दूसरे गवर्नमेंट आ जाएगा, तो इसका जो थॉट प्रोसेस था उसको ट्रांसफर नहीं होगा, वो खुद के थॉट प्रोसेस को यूज़ करेंगे और खुद डिसीजन लेंगे। तो जो मान के चलिए आज जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो प्रोजेक्ट भी फ्यूचर में कैंसिल भी हो सकते हैं, इसके लिए घाटा किसको होगा, कंपनी का ही होगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर उतना फोकस नहीं रखता हूँ। तो मेरे हिसाब से फिर भी इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कोई भी चेंज हो फिर भी देखिए डिफेंस सेक्टर को वो हमेशा के लिए स्ट्रांग रखना ही चाहेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं रहा तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलो, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है भारत इलेक्ट्रिक मतलब VEL, जो भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं जरूर कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न आपको एक अंदाजा देता है कि एक्चुअली स्टॉक में क्या हो रहा है। आप देखेंगे तो देखिए, बहुत सारे स्टॉक जब 2020 का कोविड आया था, मार्च के मंथ में, तब स्टॉक में बहुत सारा कंपनी में तो अराउंड 50% तक स्टॉक गिर गया थे, मगर इस कंपनी में उतना गिरावट नहीं हुआ था। आप देखेंगे ये जो पीरियड है आपको उतना ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप मार्च के मंथ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, हाँ चलो इस टाइम से देखिए थोड़ा सा छोटा मोटा करेक्शन, इतना ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद कितना शानदार रैली आप देख सकते हैं, जो कंपनी का प्राइस रेंज अराउंड आप देखेंगे तो 60 से 70 रुपीज़ के आसपास था, आज वो कितना 250 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब 2 साल के अंदर अंदर स्टॉक में आपको एक शानदार रिटर्न दिया और एक जबरदस्त रिटर्न भी कंपनी ने दिया। अराउंड आप देखेंगे तो 4 से 5 गुना आपका फंड कर दिया। देखिए, 4 से 5 गुना मतलब कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना, अगर आपका 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे तो आपका अराउंड 4 लाख से 5 लाख हो चुके हैं, वो भी 2 साल के अंदर। तो यही स्टॉक मार्केट के पावर है, अगर आपने सही कंपनी चूज किया और सही दिशा में आप अपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको एक शानदार प्रॉफिट रेशियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में पहले इस तरीके से नज़रिया नहीं था। अब स्टॉक में चार्ट पैटर्न को छोटा कर दूँ तो देखिए, जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज, एक्चुअली कंपनी का जब स्टार्ट होने का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 2009 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब इसका प्राइस रेंज अराउंड 750 के रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद स्टॉक में एक शानदार रैली दिखाने के बाद स्टॉक में फिर से उसी लेवल तक आके खड़ा हो गया था। और 2014 के बाद गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर फोकस रखा, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस रखा, देखिए मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर फोकस रखा तब स्टॉक में कितना शानदार यहाँ पर रैली आपको देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस रेंज था अराउंड 900 के आसपास, उसके बाद स्टॉक में जो तेजी आया और अराउंड 4000 के ऊपर भी चला गया था। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला था।
उसके बाद देखिए आप कहेंगे सर क्या कंपनी के ऊपर बर्बादी हो गया, बिल्कुल नहीं, कंपनी के स्टॉक जो है वो यहाँ पे गिरावट हो गया था, मतलब यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट और बोनस लेके आया था तो स्टॉक में एक परसेंटेज डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद फिर से कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया, फिर से स्टॉक के हालत इस तरीके से हुआ। तो बहुत टाइम पीरियड में कंपनी एक साइड बेसिस पैटर्न में चला और जब कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 100 से 200 रुपीज के आसपास था उसके बाद स्टॉक में एक नया मोमेंटम देखने को मिला और अभी उसी रेंज में काम कर रहा है, 200 से 250 रुपीज के अंदर ही काम कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या उस कंपनी और भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, तो चलो मैं उसके ऊपर ही बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर जो न्यूज आया उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो दिग्गज न्यूज क्या है, ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट टर्म टारगेट दिया गया, तो अभी आज के दिन का प्राइस रेंज आप देखेंगे तो 235 के आसपास है और स्टॉक का जो टारगेट दिया गया है वो 252 है। और किसने दिया, रेलिगर ब्रोकिंग, जो इंडिया के टॉप 10 कंपनीज के अंदर आता है, रेलिगर ब्रोकिंग स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, उन्होंने टारगेट रखा 252। तो वाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है तो इसके ऊपर टारगेट रखा और इस न्यूज को पब्लिश किया द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो मैं इस कंपनी के ऊपर थैंकफुल हूँ। तो यहाँ पे जो न्यूज पब्लिश किया, क्या इस न्यूज को मतलब ये न्यूज मतलब ये जो टारगेट दिया है क्या इस टारगेट को फॉलो अप करना चाहिए, क्या इस टारगेट फ्यूचर में क्या इस तरीके से टारगेट को फॉलो करके काम करना चाहिए। देखिए पहली बात, कंपनी जो टारगेट रखा वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मैं कोई भी बात नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से इस तरह टारगेट को आपको फॉलो करना ही है तो आपके खुद के एनालिसिस के हिसाब से करिए। तो मैं एक चीज जरूर कहूँगा, मैं जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जो इन्वेस्टर के लिए वीडियोज देखते रहते हैं, तो मैं जरूर कहूँगा आप इस तरीके से टारगेट को मत फॉलो करिए, क्योंकि इस तरीके से टारगेट तो दिया जाता है मगर इस तरीके से टारगेट को एक मतलब जो स्टॉप लॉस है कितने आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, अगर स्टॉक में टारगेट नहीं हुआ स्टॉक तो गिर भी सकते हैं ना, तो अगर स्टॉक में गिरावट हुआ तो कितने में आप ऐसे लेंगे तो उसका भी एक अंदाजा आपको होना चाहिए। मगर कंपनी ने कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई शेड्यूल यहाँ पे नहीं दिया। तो यहाँ पे जो 152 जो प्राइस दिया था एक्चुअली 252 तो एक्चुअली कंपनी का जो हाई है यहाँ पे जो स्विंग हाई है तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है 252 मेरे हिसाब से इस टारगेट को देखकर ही कंपनी ने स्विंग हाई के शॉर्ट टर्म एक टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो आप टारगेट को फॉलो करने से पहले एक बार स्टडी जरूर करना, मगर कंपनी के लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, 57,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जबरदस्त है और कंपनी टोटली जीरो डेप्थ है। मुझे इस कंपनी के बारे में एक खास जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो है कंपनी जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ होने के बाद भी कंपनी शानदार यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है, एनुअली जो इनकम है वो 2,399 करोड़ का और हाथ में अराउंड 3,600 करोड़ का कैश भी है। तो कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरीके से काम जरूर करेंगे और कंपनी सिर्फ देखिए सिर्फ डिफेंस सेक्टर में नहीं रेलवे सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे मतलब ट्रेन और जितने सारे इंजिन्स है जो ट्रेन का जो इंजिन्स होते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो बेल का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी आपको लोगो दिखेगा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट कंपनी करते हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का सिर्फ परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है, कंपनी का बैलेंस शीट भी आपको देखेंगे तो आपको बहुत शानदार नजरिया देखने को मिलेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को सेल्स को मेंटेन किया, हाँ बीच में तो थोड़ा सा सेल्स डाउन हो चुके थे फिर भी कंपनी ने वो उसको रिकॉर्ड पकड़ा और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। देखिए कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे दो लॉजिक है, दो कारण है, पहले तो कंपनी एक्सपेंस को बहुत ज्यादा तरीके से कंट्रोल किया, दूसरी बात कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम यहाँ पे देखने को मिला, मतलब बहुत कम यहाँ पे हो चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड अराउंड आप यहाँ पे शानदार यहाँ पे मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आप देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको अच्छी तरीके से साल भर में भी देखने को मिलेगा और कंपनी आपको एवरेजली कंपनी का आपको 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर आपको मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, अगर 12% से 15% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है, एवरेजली आपको रिटर्न मिल रहा है तो सोच लेना आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएंगे। तो अच्छी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अच्छी तरीके से कंपनी अगर चूज करके रखा है तो आपको डरने का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए कंपनी के बारे में तो पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी देखना है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्ट करके रखा।
तो देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर भी जानते हैं डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो डिफेंस हमेशा कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो वो कोशिश करेंगे हमेशा, वो डेवलप जिस तरीके से करेंगे उस तरीके से डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से FIS और DIS के पास ज़्यादा होल्डिंग इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी के ऊपर टिके रहना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा माल तो उठा चुके थे, मगर अभी वो माल बेच के भाग गया, तो क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल गया, वो लग रहा है कि चलो मुझे तो 100% प्रॉफिट में, मतलब मेरा फंड तो डबल हो गया, मैं खुश हो गया। बिल्कुल इस तरीके से खुश होते रहेंगे तो आप कभी भी करोड़पति नहीं बनेंगे, क्योंकि आप एक बार तो खुश हो गया मगर दूसरे जो स्टॉक आप चूज करें उसके में आपको लॉस होने का चांसेस है, और अगर 100% आपने किसी के ऊपर प्रॉफिट लिया और किसी कंपनी के ऊपर 100% लॉस भी हो सकते हैं, तो आपका एक्यूरेसी जीरो में ही आ जाएगा, तो आपको अराउंड अराउंड 200, 300, 400, 500% तक आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर कंपनी के ऊपर आपको भरोसा है और कंपनी में दम है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।